हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज की क्लास में करेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, ये दो पार्ट में दिया है, एक ए पार्ट में एक बी पार्ट में। हार्ड कॉपी है ना आप लोगों के पास आई दृष्टि की, तो उसको खोलिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखिए, पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। तो इसमें विजिट्स होती हैं, पीएम इंडिया की विजिट्स होंगी या फिर किसी और देश के जो पीएम या प्रेसिडेंट हैं या फिर चीफ हैं वो भारत आए होंगे। तो कुछ डिसीजन होते हैं, कुछ घोषणाएं होती हैं, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, वो सब अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लास्ट क्लास हम लोगों की हुई थी, ये पहले हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य कर रहे थे, वो पूरा हो चुका है। प्लेलिस्ट पे सारे वीडियोस पड़े हैं, क्लास फोर तक हुआ है। ठीक है, और ये क्लास फोर का लास्ट टॉपिक था, एक टॉपिक छूट गया था उसको जल्दी से कवर कर लीजिए। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन, ये उस दिन मिस हो गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन हुआ है अभी हाल ही में। पर्पज क्या होगा? पर्पज इस वजह से है, देखिए हम हल्दी में स्थिति हमारी क्या है, विश्व में सबसे बड़े उत्पादक हम हैं, विश्व में सबसे बड़े निर्यातक हम हैं, और विश्व में सबसे बड़े उपभोक्ता भी हम लोग हैं। ठीक है, 62% की वैश्विक हिस्सेदारी है हल्दी में, और जब इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन है हल्दी के प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट में और कंजम्पशन में, तो यहाँ पर बोर्ड का गठन होना बहुत ज़रूरी था। 2030 तक भारत द्वारा निर्यात देखिए यहाँ पर $1 बिलियन तक पहुँचाने का अनुमान है, और यहाँ पर देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों का विकास संवर्धन। ठीक है, ये पर्पस रहेगा बोर्ड का। नीड टू डेवलप इंटरनेशनल मार्केट में रीच भी करना है, नीड टू डेवलप मार्केट अक्रॉस वर्ल्ड। ठीक है, नए जो प्रोडक्ट होंगे हल्दी के उनमें रिसर्च चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। तो ये सब कैसे होगा? जब कोई इंस्टीट्यूशन होगा, जब कोई बोर्ड होगा, तो ये सारे काम बोर्ड देखेगा। स्वास्थ्य संबंधी लाभों के विषय में जानकारी भी ये बोर्ड कराएगा जागरूकता के माध्यम से। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, टर्मरिक यानी हल्दी का जो वानस्पतिक नेम है वो है कुरकुमा लौंगा। लौंगा से एक ऑप्शन पीसीएस ने यहाँ पे लौंग भी दिया था, है ना, तो बहुत कन्फ्यूजन हुआ था उस टाइम पे। तो कुछ लोग तो लौंग लगा के आए थे, हम भी लौंग लगा के आए थे, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे। तो कुरकुमा लौंगा जो वनस्पति का नाम है वो हल्दी का है, ना कि लौंग का। ठीक है, इसका जो एडिबल पार्ट है यानी खाने वाला जो भाग है उसे प्रकंद बोलते हैं। प्रकंद यानी ये जो भूमिगत तना होता है, और ये स्टेट लेवल पर जानकारी है, सबसे बड़ा उत्पादक जो है हल्दी का भारत में वो महाराष्ट्र है। इसको मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत की स्थिति ग्लोबल लेवल पर आप लोगों ने देख ही ली है। और हल्दी के जो फायदे हैं ये चीज़ें देखिए, यूरकमिनेट्स यहाँ पे ये जो सब्सटेंस हैं ये पाए जाते हैं हल्दी में, जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी कैंसर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, ये दो चार बातें थी यहाँ पे हल्दी बोर्ड के बारे में। अब हम लोग करेंगे, ये दोबारा पेज लग गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य करना है, आज क्लास नंबर 5 है और ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की क्लास नंबर 1 है। तो मैं सीक्वेंस कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो क्लास 4, क्लास 5, ऐसे क्लास 6 करके ऐसे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ए पार्ट करेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसमें बजट से देखेंगे। देखिए पहली बजट, देखिए पीएम मोदी साहब की यहाँ पर बजट है सिंगापुर में। ये देखो मैंने डेट यहाँ पर मेंशन किया है, हर बजट पर डेट मेंशन इसलिए किया है क्योंकि एक बार पीसीएस ने पूछा था, काल अनुक्रम पूछा था बजट्स का, पहले देश में कहाँ गए, फिर किस देश में गए, फिर किस देश में गए। तो ऐसे डेट चार ऑप्शन थे और मैचिंग में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ये उस टाइम का कठिन क्वेश्चन था, तो पॉसिबिलिटी है, मतलब इस तरीके से सोचता है पीसीएस, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सितंबर मतलब जो लेटेस्ट बजट है सितंबर मंथ की वो सिंगापुर में है, और बाकी जो बजट्स देखेंगे वो इसके पुराने समय की होंगी। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है लॉरेंस वॉन्ग जो है वो किस देश के प्राइम मिनिस्टर है, सिंगापुर लगा देना है, साइड में आपको इमेज दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे जो पार्टनरशिप हुई है यहाँ से भी क्वेश्चन ये फ्रेम कर सकते हैं कि अभी हाल ही में अर्धचालक पारितंत्र साझेदारी यानी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप अभी हाल ही में किन दो देशों के मध्य हुई है, तो लगा दीजिएगा सिंगापुर और भारत। ठीक है, और सेमीकंडक्टर से याद आया कि सेमीकंडक्टर में एक समिट भी हुई थी जिसे हम लोग सेमीकॉन इंडिया के नाम से जानते हैं, ये प्रदर्शनी होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करना। उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुई थी ग्रेटर नोएडा में, सेमिकॉन इंडिया 2024, और ये जो ग्रेटर नोएडा में हुई ये प्रदर्शनी, इसमें काफ़ी सिंगापुर की कंपनी भी आई थी जो सेमीकंडक्टर का काम करती हैं, बनाने का काम करती हैं, प्रोडक्शन का काम करती हैं। ठीक है, सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनीज ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, अटेंड किया था, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। प्रदर्शनी ग्रेटर नोएडा में हुई थी। सिंगापुर में त्रुवल्लुवर कल्चरल सेंटर खोलने की भी घोषणा की है अभी इसी बजट में, जब पीएम मोदी साहब वहाँ पे गए, तो ये एक छोटा सा फैक्ट बन जाता है कि अभी हाल ही में किस देश में त्रुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है, लगा दीजिएगा सिंगापुर। ठीक है,
तिरुवल्लुवर, ये कौन है, ये हम लोग हिस्ट्री में पढ़ के रखे हैं, ये तमिल कवि थे, ठीक है, संत थे, एक सेंट थे। तिरुकुरल नामक काव्य की इन्होंने रचना की थी, क्रिएट किया था। सेमीकोलन दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पे इमेज में इंसर्ट किया हूँ। सितंबर, डेट नहीं याद रखना है आपको, ये जगह याद रखना है, ग्रेटर नोएडा, ठीक है। चलिए दूसरी विजिट है भारत यूक्रेन, देखो ये 23 अगस्त की, वो अभी हम लोगों ने पढ़ी विजिट सिंगापुर की सितंबर में, ये यूक्रेन की विजिट अगस्त 2024 की है, ठीक है। तो ऐसे क्रोनोलॉजी ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन बनाएगा तो फिर हो जाएगा। यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी हुई है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं पीएम मोदी से मुलाकात की उन्होंने, कहाँ पे की, इस जगह पे की, मैरिनस्की पैलेस। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि मैरिनस्की पैलेस चर्चा में रहा, ये किस देश में है, किस देश में स्थित है। तो ये यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, यहाँ पे स्थित है, ये इमेज आपको साइड में दिख रही है, ठीक है, ये मैरिनस्की पैलेस है, जूम करके दिखा दे रहा हूँ थोड़ा, क्लियर है। चलिए और क्या फैक्ट है यहाँ पे, इन दोनों के मध्य ये जो एक प्रेसिडेंट है, एक पीएम साहब है, G7 शिखर सम्मेलन हुआ था इटली में, अपुलिया नामक शहर होगा वहाँ का, अपुलिया इटली में, वहाँ पे भी इन लोगों की बैठक हुई थी, ठीक है। तो जी यहाँ पे ये फैक्ट डालने का क्या मतलब है, G7 शिखर सम्मेलन आपको ध्यान रखना है, 2024 कहाँ हुआ है, अपुलिया इटली में, ओके। चलिए अभी जो विजिट हुई है रिसेंट में अगस्त 2024 में यूक्रेन के साथ, यहाँ पे देखो भीष्म क्यूब्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं भारत सरकार ने, किसको किए हैं, यूक्रेन को किए हैं। ये भीष्म क्यूब्स क्या हैं, यहाँ पे देखिए आपको ये दिख रहे होंगे, बड़े बड़े बॉक्स दिख रहे हैं, इसमें मेडिकल अप्लायंसेस हैं, ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, शल्य चिकित्सा के लिए औषधियाँ और उपकरण इसमें हैं, ठीक है। तो ये इनको क्यूब बोला जा रहा है, एक तरीके से बक्सा है, बॉक्स हैं बड़े बड़े, उसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं। इनकी खास बात ये भी है कि ये स्वयं विद्युत और ऑक्सीजन उत्पन्न करने में सक्षम भी हैं। तो ये सिर्फ इतना ही अगर पूछ ले कि भीष्म क्यूब से क्या है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, ध्यान आ जाना चाहिए, हाँ ये बॉक्स हैं जिसमें मेडिकल अप्लायंस वगैरह रहते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह रहते हैं, ठीक है, जो सर्जरी के काम आते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है फिर, भारत पोलैंड, ये विजिट देखिए 21-22 अगस्त की है, और अभी जो यूक्रेन की विजिट पढ़ रहे हैं, सॉरी हाँ यूक्रेन की विजिट जो पढ़े हैं आप, वो 23 अगस्त की है, 23 अगस्त, ये 22 अगस्त, यानी एक दिन पहले पोलैंड में थे, उसके बाद ही यूक्रेन गए, तो पोलैंड के रास्ते से ये यूक्रेन गए थे, ठीक है, पोलैंड के रास्ते से यूक्रेन गए थे बाया ट्रेन, बाया ट्रेन, क्योंकि यूक्रेन का एयर स्पेस अभी ब्लॉक्ड है ना, वैसे बार और चलती रहती है। ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक लिंक बनी रहे कि विजिट का जो उनका जो यात्रा का क्रम था वो याद रहे। यहाँ पे क्या क्या हुआ, यहाँ पे बस ये छोटे छोटे से फैक्ट जानना है। यहाँ पे पीएम मोदी जी गए होंगे डोबरी महाराजा स्मारक के पास, श्रद्धांजलि दी होगी, तो ये याद रखना कि डोबरी महाराजा स्मारक कहाँ पे है, पोलैंड में है। कोल्हापुर स्मारक यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है, ये भी पोलैंड में है। ये छोटे छोटे फैक्ट ये यहाँ से बन जाते हैं, याद रहेगा। चलिए अब देखिए भारत मलेशिया, भारत मलेशिया 19 से 21 अगस्त 2024, यानी सबसे पहले ये मलेशिया गए, अभी तक जितनी विजिट्स पड़ी हैं, उसके बाद पोलैंड गए, उसके बाद यूक्रेन गए, और उसके बाद सबसे लेटेस्ट में क्या पढ़ा है, सिंगापुर गए, है ना। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर का नाम है उनका है दातो, उनका नाम है दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम, मलेशिया की पीएम है। कभी कभी पूछ लेता है यार, ये नाम भी पूछ लेता है पीएम के, तो इम्पोर्टेंट है, नाम पूछने का पर्पज बस यही है कि विजिट्स हुई हैं हमारे भारत के पीएम की, तो जानना जरूरी है। घोषणा क्या क्या की है वहाँ पर भारत सरकार ने, या फिर पीएम मोदी ने, मलेशिया को 2 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती चावल के आवंटन की घोषणा की है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बनाए अगर पीसीएस इस तरीके का कि अभी हाल ही में किस देश के साथ 2 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती चावल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए घोषणा की गई है, तो मलेशिया लगा देना। अभी ये फैक्ट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो IBCA है इसको तो समझते होंगे ना, ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मलेशिया द्वारा IBCA में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा भी की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अभी हाल ही में किस देश ने IBCA के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है, आपको मलेशिया लगा देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत वियतनाम के साथ क्या है, यहाँ पे वियतनाम के जो पीएम है उन्होंने विजिट की है इंडिया को। पीएम कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, फाम मिन चिन, फाम मिन चिन किस देश के पीएम है।
यतनाम लगा दीजिएगा, ठीक है। ये इमेज देख लीजिए, ये फार्म मिन्न चिन्ह है। चलिए ये फैक्ट देखिए, बहुत खास है। क्या लिखा है, विकसित भारत 2047 के विजन की तरह ही वियतनाम द्वारा भी वियतनाम 2045 नामक विजन को अपनाया गया। तो अभी हाल ही में किस देश ने भारत की तरह विकसित भारत 2047 के विजन की तरह अपना भी एक विजन तैयार किया? उत्तर लगा देना वियतनाम। कर लेंगे भाई। चलिए ये देखिए, भारत रूस के साथ क्या है, 8-9 जुलाई 2024, अभी फिर से बजट है, अभी रिसेंट में शायद कल ही रूस में थे, है ना पीएम साहब, उससे पहले जुलाई में था। यहाँ पे हम लोग को बस ये चीज़ देखना है, ये जो कॉरिडोर बन रहा है मैरी टाइम ये कॉरिडोर चेन्नई व्लादिवोस्तक, इसके बारे में पहले भी हम लोग पढ़ते आए हैं, बट अभी एग्जीक्यूशन में नहीं है ना, तो इसको एग्जीक्यूशन इसका एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर कार्यान्वित करने के लिए इनके मध्य पोर्ट्स, तमाम पोर्ट्स भी पड़ेंगे, बंदरगाह भी पड़ेंगे, आपस में उनको जोड़ना भी है, तो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपस में सम्मत करने की घोषणा की गई है, ठीक है। एक और यहाँ पर कनेक्टिविटी की घोषणा की गई है, व्यापार परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC, इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, मार कर दे रहा हूँ, स्टार लगा दे रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। कौन कौन इस देश में, भारत रूस और ईरान की सहायता से ये इनिशिएटिव लिया गया। अगर पूछा जाए कि इस कॉरिडोर में कौन कौन से देश हैं, तो भारत रूस और ईरान आपको लगाना है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि INSTC में कौन सा देश नहीं है, चार ऑप्शन दे देगा, तीन ऑप्शन यही रहेंगे, एक ऑप्शन कुछ भी दे देगा, है ना, इसराइल दे देगा, तो इसराइल को वहाँ पर हटा देना। तो ये जो इनिशिएटिव है वो इन तीनों देशों का है, भारत रूस और ईरान का। पीएम मोदी रूस के सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल किस देश का राजकीय सम्मान है? रसिया, रसिया लगा देना, ओके। ये देखिए कॉरिडोर देखिए, ये चेन्नई दिख रहा है आपको, और ये व्लादिवोस्तक, ये रसिया की जगह दिख रही, इस तरह का रूट रहेगा ये, मलेशिया से होते हुए, ठीक है, ब्रुनेई से होते हुए और फिलीपीन से होते हुए यहाँ पे आपको ये ट्रैक दिख रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में तमाम पोर्ट्स पड़ेंगे, तो पोर्ट्सों को जोड़ने का काम करना है, उसके बाद एग्जीक्यूशन में लाया जाएगा, हो जाएगा ना, ये तो आसान था। देखिए भारत ग्रीस, यहाँ पे 20-22 फरवरी को क्या हुआ, पीएम ग्रीस जो हैं उन्होंने विजिट किया इंडिया को, और उनका नाम है क्रियाकोस मित्सोटाकिस, ये प्राइम मिनिस्टर का नाम है ग्रीस के, याद रहेगा, कठिन सा नाम है, कठिन से नहीं मतलब है, ऑप्शन देख के हम लोग को समझ में आ जाएगा। और क्या फैक्ट है, ये देखिए, ये जो नमा रायसीना संवाद होता है जियोपॉलिटिक्स पे, ये कहाँ पे हुआ, ये उसके चीफ गेस्ट थे, ग्रीस के जो पीएम है, इस संवाद के चीफ गेस्ट थे और चीफ ये मुख्य वक्ता भी थे, देखिए यहाँ पे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में इनको शामिल किया गया। रायसीना संवाद हुआ कहाँ पे, ये नई दिल्ली में ही होता है, ठीक है, रायसीना संवाद, ये अब मुश्किल है ये पूछा जाए रायसीना संवाद होता कहाँ है, क्योंकि ये नई दिल्ली में ही हमेशा होता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन था, तो लगा देना। विजिट भी हुई है यहाँ से, भी एक इंपॉर्टेंट चीज उन्हीं से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा। रायसीना संवाद जो है डायलॉग है 2024, थीम देखिए C4 इसकी थीम है, इसलिए चतुरंग बोला जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कंटेस्ट कोऑपरेट और क्रिएट, यानी संघर्ष प्रतियोगिता संयोग और निर्माण, ये थीम है। इस थीम को ही लिख के पूछा जा सकता है कि ये किस समिट का या फिर किस सम्मेलन का या फिर किस डायलॉग की ये केंद्रीय विषय था, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। रायसीना संवाद, भारत UAE 13-14 फरवरी 2024, पीएम मोदी ने विजिट किया UAE को। यहाँ पे देखिए बहुत यहाँ पे भव्य प्रोग्राम हुआ था इनके सम्मान में, बहुत भव्य प्रोग्राम हुआ था, ऐलान मोदी के नाम से के शीर्षक से यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट किया हूँ, ऐलान मोदी, क्लियर है, वहाँ पे घोषणाएं क्या क्या हुई, यहाँ देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में किस देश में CBSE का रीजनल ऑफिस खोलने की घोषणा की गई है। उत्तर लगा देना UAE। कंट्री वाइज ऑप्शन नहीं होंगे तो फिर सिटी वाइज होंगे, तो आपको वहाँ पर दुबई दिखेगा, तो दुबई याद रखना, CBSE का रीजनल ऑफिस वहाँ पर खोला जाएगा, ठीक है।
वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 अभी गुजरात में हुई थी, गांधीनगर में। ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे ये चीफ गेस्ट थे, ठीक है, यूएई के जो प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। गांधीनगर में हुई थी ये समिट। पहला फैक्ट याद रखना है, यहाँ के चीफ कौन थे, यही थे यूएई के प्रेसिडेंट। क्लियर है? चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? ये भी यूएई दुबई में हुआ, ठीक है, यूएई में दुबई में हुआ। इस समिट में तुर्की, भारत और कतर मुख्य अतिथि थे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। तुर्की है साथ में भारत के, और कतर भी है। तुर्की है मतलब टर्की का नया नाम है तुर्की है। यहाँ पे यूएई में, यूएई का शहर अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर स्थापित भी किया गया। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा क्वेश्चन में। भारत फ्रांस का क्या सीन है यहाँ पे? इनका, इनके जो यहाँ पे पीएम है, नाम जानते हैं आप, इमैनुअल मैक्रो, भारत की यात्रा की 26 जनवरी, ये जनवरी की न्यूज है, जनवरी 2024, गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी को, तो इन्हीं को चीफ गेस्ट बना दिया, ठीक है, तभी आए थे, भारत की यात्रा की थी उन्होंने, तो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो थे वो भी जान लिया आप। ये सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला यूरोपीय देश बना फ्रांस, किस लिए बना? जिसने भारतीय यूपीआई को स्वीकार किया, ठीक है, तो भारतीय यूपीआई को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस, लगा देना। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया हम लोगों का ए वाला पार्ट, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ए वाला पार्ट। अब अगले वीडियो में मिलेंगे बी वाले पार्ट में, इसको देखिएगा, आपका यहाँ पे इन शॉर्ट रिविजन किया जाता है, हेल्प करेगा आप लोगों को। चलिए।